सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पर कांग्रेसियों ने रोष मार्च निकाला। प्रदेश कार्यकारी सदस्य डॉक्टर अनिल बुक्कल के नेतृत्व में निकले इस रोष मार्च में शाहबाद के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी और युवा कांग्रेस के नेताओं ने भाग लिया। यह रोष मार्च देवी मंदिर धर्मशाला से शुरू होकर राजीव गांधी चौक तक चला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर बुक्कल ने कहा कि प्रदर्शन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पे। ये हमने प्रोग्राम जो नशा मुक्त शाहबाद और पूरा हरियाणा जो बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार ने जो नुमिंदे हैं शाहबाद के, जिन्होंने हर वर्ग को हर युवा को नशे की तरफ धकेलने का काम किया है। क्यों? क्योंकि जो युवा है आज बेरोजगारी से तंग है, बेरोजगारी ना होने के कारण वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। उसको लेकर के उसको उन बातों को लेकर के यहाँ अनिल जी हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, राजन जी प्रदेश में सचिव हमारे भाई, सुमित जी, सारे कांग्रेसी जो हमारे नेतागण हैं वो सारे इकट्ठा होकर के नशा मुक्त करने के लिए ये रोष प्रकट किया है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। और जिस तरह से स्वतंत्रता से पहले 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था, कांग्रेस पार्टी ने आज वो प्रण लिया है कि बीजेपी और जेजेपी को देश और प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे और नशा मुक्त करने का काम करेंगे। और 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भूपेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ, कई ऐसे चेहरे जो दिखाई नहीं दे रहे, सर क्या इनको मैसेज नहीं किया गया, किसका क्या कारण? देखिए, ये हो सकता है कि कोई भी कांग्रेस मैसेज सबके पास है, क्योंकि ग्रुप बना हुआ है हमारा शाहबाद का। काफ़ी बार क्या होता है, बिजी शेड्यूल और कारण नहीं आ पाते, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस इकट्ठी है, सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अनिल जी हैं, कपूर जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हमारे, प्रदेश में सचिव सुमित जी हैं, प्रभारी जी हैं, जयपाल जी हैं हमारे जो प्रदेश प्रवक्ता हैं हरियाणा कांग्रेस कमेटी के, तो सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हैं और ये नशा मुक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे बीजेपी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर आज यहाँ पर हमारे को सौभाग्य से आप आए, और महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस जनों ने नशा के खिलाफ, चोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूटपाट के खिलाफ जो आज ये अभियान, जो हमारा शांति मार्च यात्रा सभी की कांग्रेस जनों की तरफ से निकाली गई है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे सभी कांग्रेस जन आज एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं। और हमारे यहाँ पर विशेष रूप से जो हमारे विशेष रूप से मेहमान आए हुए हैं, श्री जयपाल पंचाल जी जो प्रवक्ता हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, भाई हर्ष गुर्जर जी को अभी शाहबाद का प्रभारी नियुक्त किया गया, तो मैं धन्यवाद करता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी उदयभान जी का, कि हमारे जयपाल पंचाल जी और हर्ष गुर्जर जी की जो यहाँ ड्यूटी लगाई है, तो ये कांग्रेस को इकट्ठा करने में पूरी तरह से सक्षम है और बहुत ही अनुभवी साथी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर सभी साथी पहुँचे हैं, तो मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को आज ज्ञापन दिया गया है हमारे मुख्य अतिथियों के समक्ष, तो इनको पुलिस को चेताया गया है कि प्रशासन को और यहाँ के जो हमारे चुनावी जो हमारे जो नुमाइंदे हैं जो चुनाव जीत करके आए हैं, वो प्रशासन को इस बारे में सचेत नहीं करना चाहते, तो सभी कांग्रेसजनों ने पुलिस को चेताया कि शहर के अंदर आज भय का जो माहौल है, जो शाहबाद आज नशे का हब बन चुका है, तो मैं निवेदन करता हूं पुलिस प्रशासन से, हमने इसकी एक प्रति माननीय जो गृह मंत्री अनिल विज जी उनको भी प्रेषित की है, तो वो भी हम कल भिजवा देंगे। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि शाहबाद नशा मुक्त हो और सारे कांग्रेसजन एकत्रित होकर के यहाँ पर नशा के विरुद्ध जो अभियान हम चला रहे हैं, नशा कांग्रेस को नशा से मुक्त बनाने के लिए, हम शाहबाद को नशा से मुक्त बनाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो सभी कांग्रेसजन एक बार फिर यहाँ पर हमें इनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आज 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी की जयंती पर इकट्ठे हुए हैं और सभी लोगों ने यहाँ भरपूर हमारा साथ दिया है। आप लोग भी साथ हैं, शहर के सभी साथियों ने भरपूर सहयोग किया कि हम नशे के विरुद्ध हैं और हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, हम लूटपाट के विरुद्ध, चोरी के विरुद्ध हैं। तो आज ये शुभ संदेश जो महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में दिया गया, मैं सभी को यहाँ सराहनीय, सभी मेरे लिए सराहनीय और एक अच्छा हमारा भूमिका इसमें रहेगी। तो आने वाला समय एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की जयंती है, जिन पर
हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जिन पर गर्व करता है। महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया को एक मूल मंत्र दिया कि बड़े से बड़ा संघर्ष सत्य और अहिंसा के बल पर हो सकता है। दो लाइनें मैं कहना चाहूँगा कि जिनकी सत्ता में सूरज भी कभी अस्त नहीं हो पाता था, जिनकी सत्ता में सूरज भी कभी अस्त नहीं हो पाता था, सत्य अहिंसा की ताकत से वो निजाम घबराता था। गांधी जी ने और बाकी सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर इस देश को आज़ाद कराया और एक सुंदर भारत का सपना देखा था। लेकिन धीरे धीरे हालात यहां तक पहुंच गई कि उस समय जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कभी नहीं खड़े हुए, आज उनके हाथों में इस देश की सत्ता है। और पिछले 9-10 सालों में ये देश विकास के पथ पर जाने के बजाय आज उल्टी दिशा में दौड़ रहा है। पूरा देश आज अव्यवस्थित हो चुका है और प्रदेश में, जैसा कि अभी भाई प्रदीप गोयल जी ने बताया, कि यहाँ पर नशाखोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर दूसरा तीसरा युवा नशे की गिरफ्त में आ चुका है। बहुत से युवा जिस प्रकार का ये नशा है ये करके आज मौत के आगोश में जा रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से बच्चे नशे के धंधे में लिप्त होते जा रहे हैं और ये इस देश के आने वाले भविष्य को गर्त में लेके जा रहा है। आप जानते हैं कि आज हर घर में 12वीं पास करने के बाद बच्चे का आज किसी डिग्री कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी कॉलेज में जाने का लक्ष्य नहीं है। आज 12वीं पास के बाद हर परिवार का, हर बच्चे का बस एक ही लक्ष्य है कि आईलेट करें और विदेश दौड़ जाएं। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? धीरे धीरे अगर हालत यही रही तो यहाँ या तो बूढ़े रह जाएंगे या फिर नशेड़ी रह जाएंगे। जब भारत का भविष्य ही छोड़ करके बाहर चला जाएगा, भारत का भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा, तो ये किस पर तो राज करेंगे, किस पर सरकार चलाएंगे? इसलिए आज इस मौके पर हमें हमारी सारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे लोगों को, व्यापारियों को, किसानों को, युवाओं को, कर्मचारियों को, सबको इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि जिस प्रकार 2014 से पहले ये देश प्रगति पथ पर चल रहा था, हरियाणा शिक्षा का हब बन चुका था, हरियाणा का किसान खुशहाल था, हरियाणा का व्यापारी खुश था, इस देश का हर आदमी खुशहाल था, लेकिन आज वो कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। आज हम सबको इसमें प्रण लेना चाहिए कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर इस देश को कांग्रेस की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश के आम आदमी की मन की विचारधारा है, इस देश की आत्मा में कांग्रेस बसती है। और जब कांग्रेस की विचारधारा लोगों के अंदर होती है तभी ये देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। इस देश को आज फिर से एक बार कांग्रेस की विचारधारा की, कांग्रेस की सरकार की आवश्यकता है, ताकि हम इन सभी बुराइयों पर काबू पा सकें। धन्यवाद। यह हुआ है, इसमें पुलिस महानिदेशक जो अभी नए आए हैं उन्होंने भी गाइडलाइन दी है और हमारे SP साहब ने भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत हम नशे के खिलाफ और चोरी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम के तहत ग्राम प्रहरी भी नियुक्त किए गए हैं, वार्ड प्रहरी नियुक्त किए हैं, जो हर अपने वार्ड में जाकर नशे करने वाले, नशा बेचने वाले और जो ये गलत गैर कानूनी धंधे करते हैं उनकी नाम नोट कर रहे हैं और आगे ये ऊपर उच्च अधिकारियों को दिए जाएंगे और इन पे जड़ काटने का कार्य किया जाएगा। हर को सामाजिक तौर पर और कानूनी तौर पर उनको ख़त्म करने की कोशिश किया जाएगा और जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि नशे का कारोबार यहाँ से ख़त्म हो और आगे ये कार्रवाई चलेगी इनके खिलाफ। बिल्कुल गश्त बढ़ाई गई है सर, रात को भी बढ़ाई गई है, दिन में भी मार्केट में जाकर और जाके लूटपाट की घटना को कम किया जा सके, हुटर चलाकर जैसे भी है उन पर काबू करने की कोशिश की गई है। अब इसमें हमें बहुत सी सफलता भी मिली है, 2-4 लूट की घटना पीछे हुई थी, उनको पकड़ा भी गया है, 2-4 बंदों को CIA किया, तफ्तीश जारी है उनमें, उनको तो इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल अभियान जारी रहेंगे जब तक ख़त्म ना हो जाए नशे के कारोबार। ठीक है।